नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीतम माझी, आप देख रहे हैं एवीपी रिसर्च। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी गुफा के बारे में जहां माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए युगों युगों तक तपस्या की थी। आखिर क्या है गुफा का रहस्य, आइए जानते हैं। रहस्य जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मध्य प्रदेश की धरती पर कई रहस्य बिखरे पड़े हैं और उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है पार्वती गुफा मंदिर का रहस्य। इसी रहस्य की खोज में हमारी एबीपी रिसर्च की टीम निकल पड़ी पार्वती गुफा मंदिर की ओर। पार्वती गुफा मंदिर, ये मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 32 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर के सामने बेतवा नदी के किनारे पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी गुफा में बनाया गया है। ये मंदिर पार्वती गुफा मंदिर के नाम से जाना जाता है। गुफा मंदिर पहुँचने पर मंदिर में प्रवेश करते ही हमें रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी के दर्शन हुए और जैसे ही गुफा में बने मंदिर के अगले हिस्से में पहुँचे तो माँ पार्वती जी की भव्य मूर्ति स्थापित मिली। मूर्ति के अलावा भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित मिला। माना जाता है कि इस गुफा में माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तपस्या की थी। इसी रहस्य को जानने के लिए हमारी टीम ने बात की मंदिर के पुजारी से। रतनलाल पुजारी, ये प्राचीन समय का है, प्राकृतिक बना। साधु संत रहते थे जंगलों में, तपस्याएं करते थे। पार्वती जी ने तपस्या की है, ये युग निकल गए, ये फिर प्राकृतिक बना है। माता जी सीता बन के राम की परीक्षा ली थी सती ने त्रेतायु में। भगवान राम के वनवास के समय भगवान शिव ने सती को त्याग दी। सती दक्ष के यज्ञ में शरीर त्यागती है और हिमाचल के यहाँ अवतार लेती है। पिता का घर छोड़कर जंगल में आकर यहाँ तपस्या करती है। फिर बाद में भगवान शिव से शादी होती है, इसलिए शिव जी उधर है, माता जी यहाँ अलग है। संसार के सबसे बड़े शिवलिंग है, उस याददाश्त में ये प्रतिमा स्थापित की। पार्वती ने तपस्या की, उसके बाद में ऋषि मुनियों ने यहाँ माता जी को स्थापना की। माता जी ने तपस्या की है, उस समय चला है, उसके बाद में ऋषि मुनि लोग पूजा करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमय बातें हैं। कहा जाता है कि माँ पार्वती का वाहन शेर आज भी इस गुफा में माता पार्वती के दर्शन के लिए आता है। इसकी पुष्टि गुफा के पास रह रहे लोगों ने शेर का वीडियो बनाकर दी। मेरा नाम महेश कीर है। यहाँ का रेसी है भैया, शिव और माता शिव पार्वती का दोनों का मिलन के लिए भगवान शिव उधर समाधि में है, माँ इधर तपस्या में है। ये बहुत प्राचीन स्थान है और यहाँ पे क्या 2-4-5 सौ हज़ार भगत डेली आते हैं। दूसरी बात क्या है, नवरात्रि के टाइम यहाँ पे माता जी का जो वाहन है शेर, वो बराबर आता है और यहाँ पे कई लोगों को दर्शन दिया है उसने। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये बहुत प्राचीन स्थान है। ये माता जी यहाँ सतयुग के टाइम में तपस्या करी है माता जी, 27,000 वर्ष तपस्या करी है, वो तपस्वी स्थल है ये माता जी। यहाँ पे आपने देखा होगा ये मन्नतें कितनी बंदी हैं, कितनी खुल रही हैं, रोज डेली बनती हैं, रोज़ खुलती हैं डेली। बहुत भक्त आते हैं यहाँ पे। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्वती गुफा मंदिर में और यही वो जगह है जहाँ से शेर एंट्री अपनी करता है मंदिर में। पार्वती गुफा मंदिर परिसर में एक बरगद का पेड़ भी है जिस पर हजारों की संख्या में धागे और चुनरी बंधे हुए हैं। इस बरगद के पेड़ पर लोग मन्नत मांगकर धागा और चुनरी बांधते हैं। यहां आए श्रद्धालु भक्तों का कहना है कि पेड़ पर धागा या चुनरी बांधने से मांगी गई मन्नत पूरी होती है। माता पार्वती मन्नत को पूरी करती हैं। शंकरलाल, ये प्राचीन पार्वती गुफा मंदिर है, जिस समय से मंदिर बना उसी समय माता जी का मंदिर बना। ये नवरात्रि में प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी है माता जी यहाँ पर, जो 40 फीट गुफा के अंदर जिसमें सपोर्ट नहीं है,
जैसे नवरात्रियों में प्रसिद्ध पूजती है, और अष्टम माँ गौरी आठों सिद्धियों साथ नवी माँ पार्वती की है। ये डैम प्राचीन काल का बंधा हुआ है। यहाँ पर उधर से मंदिर बनाया गया, इधर पार्वती जी को स्थापित किया गया। ये पार्वती जी मूर्ति रूप में है यहाँ पर। ये 40 फीट गुफा के अंदर है। यहाँ पर चुनरी बांधने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वो भक्त लोग नवरात्रि में सावन के महीने में अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग माता जी को पूजने आते हैं। ये एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ आकर पहाड़ियों का सौंदर्य भी देखने को मिलता है। ऐसे ही देखे अनदेखे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे।